गाड़ी लेके आए हुए हैं हमें छोड़ने के लिए, क्योंकि हमारा लगेज इतना ज्यादा है, है ना। इतनी बड़ी गाड़ी में हमें छोड़ने जाएंगे ये पोर्ट पर हमें छोड़ने जाने वाले, इतनी बड़ी गाड़ी लेके। हेलो, हम लोग पोर्ट पे आगे हुए थे तो वहाँ से ना क्रूज तक जाने के लिए वो उन लोगों की बस होती है, तो हम लोग फिर बस में बैठ गए। फिर वहाँ से हम को लेके जा रहे थे क्रूज की तरफ, मतलब वो बहुत ही अंदर थी पोर्ट पे, तो जहाँ पे वो लगी थी, जहाँ पे उसका स्टेशन, तो वहाँ पे लेके जा रहे थे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए क्रूज में, तो डायरेक्ट ही पूरी बस ना क्रूज के अंदर चली जाती है और वहीं से उतरना होता है बाहर, तो वो लोग उतरने ही नहीं देते। तो ये देखे सामने सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंटेनर्स की गाड़ियों, और हमारी पूरी बस भी है ना क्रूज़ के अंदर आ गई फेरी के अंदर, तो यहीं पे हमारी एग्जिट भी हुई। यहाँ पे हम लोग फेरी के अंदर एंटर हो गए थे, तो बहुत ही अच्छा ना इसका जो एंट्रेंस था व्यू था, बहुत ही खूबसूरत था और एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये हमारा कंपार्टमेंट था स्लीपिंग चेयर वाला, जो हमारी बुकिंग थी यहाँ पर, तो हमने ये वाला कंपार्टमेंट चूज़ किया था। सो ये उसका व्यू है, तो ये देखिए कितना बड़ा है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स एंड स्लीपिंग चेयर, बहुत ही कंफर्टेबल था और बहुत ही मज़ा आई, मतलब हमें रात को नींद भी बहुत अच्छे से मिली है। उसके बाद हम लोग ऊपर टेरेस की तरफ जाने लगे, कि हमने सोचा पहले एक दफ़ा टेरेस देख कर आते हैं। तो लुक एट द व्यू एट द टॉप ऑफ द शिप, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही खुशनुमा, ठंड भी थी, हवाएं भी चल रही थी, और ये जो व्यू था ना डेट वॉज अमेजिंग, मतलब रात का देखने का भी अपना ही मज़ा है। जाहिर सी बात है कि एक दफ़ा पानी देख कर थोड़ा सा खौफ तो आता है, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि रात में इस तरह पानी देखना ना थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन बहुत खुश, बहुत अच्छा वेदर था और बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे थोड़ा सा करने आए हुए हैं, तो अब एक्सपीरियंस करते हैं कि किस तरीके का रहता है।
रही हूँ मैं आपको, रात के 4 बजे दिखा रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग एंटर हुए थे तब तो हमने शिप देखी ही नहीं थी कि कैसी थी ना। तो जब हमने एग्जिट ली है, हम लोग बाहर जा रहे थे, तो हमें 4 बजे पाल्मा पहुँचाया है। तो ये मैं आपको शिप दिखा रही हूँ, काफ़ी बड़ी थी और इतने ज़्यादा इसमें गाड़ी की पार्किंग, कंटेनर्स की पार्किंग एंड ऑल दैट। यहाँ से सारे कंटेनर्स बाहर निकल रहे थे, ये इसका बाहर निकलने का एग्जिट था, यहाँ से कंटेनर्स एंड गाड़ीज निकल रही थी। हम लोग जस्ट अभी शिप से उतरे हैं, बाहर एग्जिट के लिए जा रहे हैं। और ये मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी का व्यू दिखा रही हूँ, जो इतना खूबसूरत और काम एंड स्टडी था कि बहुत ही मज़ा आई। यहाँ पे हमारी बालकनी व्यू था और ये बहुत ही खूबसूरत है ना प्रॉपर्टी थी, बहुत ही मज़ा आई हमें यहाँ पर रुक कर, नाइट स्टे कर कर। बहुत अच्छा सा गार्डन था और रेस्टोरेंट था, वहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत अच्छे से टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे। और नीचे की साइड पर ये पूल व्यू था, साथ में गार्डन था। सो दैट वाज अ अमेजिंग डे एंड नाइट।